स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम पेज नंबर 46 पे प्रॉब्लम नंबर टू है ठीक है तो इसमें पूछ क्या रहे हैं द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन ठीक है कि आपके पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन है इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी फाइव जाउल ठीक है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है इतनी दी हुई है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ ठीक है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है ठीक है तो वेवलेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी डी ब्रॉगली रिलेशन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा ठीक है अब हमारे पास मास जो है वो गिवन है ठीक है एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है तो हम लिख लेते हैं मास कितना है मास इज 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन के जी की मैंने ठीक है एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कितना हो जाता है सिक्स पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर जाउल सेकेंड और ऑब्वियसली के जी है तो डेफिनेटली हमें के जी जो है उसकी वैल्यू कैंसिल करनी है तो ये क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर के जी मीटर स्केयर सेकेंड इनवर्स स्केयर ठीक है ये आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ के जी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन नहीं है वैल्यू हमारे पास वी की गिवन नहीं है मतलब वेलोसिटी जो है वो गिवन नहीं है बट वी नो वन थिंग ठीक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है काइनेटिक एनर्जी कितनी है दैट इज 3.0 पॉइंट जीरो टू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी फाइव जाऊ ठीक है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इतनी जो है गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो उसमें विलोसिटी भी आती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है हाफ एम वी स्केयर ठीक है काइनेटिक एनर्जी गिवन है मास गिवन है तो अब वेलोसिटी जो है वो फाइंड के जी में तो कन्वर्ट करना होगा तो आई नो वन चाउल जो है अब यहाँ पे लिख लो ताकि कंफ्यूजन कम हो वो किसके इक्विवेलेंट आता है वन के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के ठीक है तो आप यहाँ पे वैल्यूज देख लो के जी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इक्वल टू हाफ इनटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना जी के 10 इन टू क्या हो गया वी स्केयर हो गया अब ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी मतलब कि मेरे पास थ्री जो है उसके साथ टू मल्टीप्लाई हो जाएगा के जी मीटर स्केयर सेकेंड इनवर्स स्केयर इंटू टू और ये वैल्यू जो है डेफिनेटली अगर मैं इस साइड लेके आती हूं इक्वल टू के तो ये डिवाइड में आ जाएगी सो डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9.1 पॉइंट वन इन टू टेन रेस टू पार माइनस थर्टी वन के जी आ गया ठीक है इक्वलर टू वी के आ गया के जी के साथ के जी कैंसिल हो गया अब हमने क्या करना है अब हमने सारी की सारी वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई करनी है तो थ्री इंटू कितना हो गया सिक्स हो गया ठीक है इंटू अब यहां पे 10 रेज टू पार माइनस थर्टी है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में जाके प्लस का आ जाएगा सो so 10 रेज टू पार माइनस ट्वेंटी जब आपने 31 में से माइनस किए तो यू गेट 10 रेज टू पार 6 ठीक है क्योंकि uh, 31 वन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू कितना आता है 6 आता है ठीक है यहां पे माइनस का था न्यूमरेटर में जाके प्लस का हो गया एंड प्लस uh, का 31 माइनस का 25 तो आंसर विल बी इन प्लस ठीक है एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास 9.1 ठीक है ये हमारे पास किस में आ रहा है के जी कैंसिल हो चुका है सो मीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स स्क्वायर में आ रहा है ठीक है जब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो यू गेट वी स्केयर इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट वन इन टू जब आपने uh, टेन रेस टू पार सिक्स किया ठीक है तो या फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटी हो जाएगा क्योंकि मैंने एक टेन जो है इसको मल्टीप्लाई के लिए दे दिया इन टू टेन रेस टू पार फाइव डिवाइड बाई नाइन इसमेंट फाइव नाइन थ्री इंटू टेन रेस टू पार फाइव तो यहां तो पे स्केयर है डेफिनेटली यहां पे आके अंडर रूट हो जाएगा तो वी स्केयर इक्वलर टू अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू सिक्स पॉइंट फाइव नाइन थ्री इन टू टेन रेस टू पार फाइव तो अब ऑब्वियसली ये जो था ये क्या है मीटर स्केयर एंड सेकेंड इनवर्स स्केयर तो डेफिनेटली यहाँ पे स्केयर है तो अंडर रूट में अगर ये आ भी गए तो हमारे पास ये स्केयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा सो so, वी स्केयर नहीं आएगा यहाँ पे अकेला भी आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया वी की वैल्यू जो है हमारे पास 811.99 मीटर स्केयर है तो डेफिनेटली अंडर अंडर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर आ गया स्केयर सेकेंड इनवर्स स्केयर है तो वो भी कैंसिल हो गया सो so अकेला सेकेंड आ गया तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 812 ठीक है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली है ठीक है अब आप क्या करोगे लेमडा की वैल्यू पुट कर दोगे तो लैमडा क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी फोर अब आपने जाऊल के जो हैं वो भी यूनिट्स पहले निकाल लिए थे के जी मीटर स्केयर सेकेंड इनवर्स स्केयर एंड साथ में सेकेंड ऑलरेडी इसका लग गया साथ में ठीक है डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी वन के जी आ गया इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी फाइंड आउट किया एट वन टू मीटर पर सेकेंड ठीक है अब यहां पे आ, ये में है तो डेफिनेटली ऊपर जाके जो है में आ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो ये क्या है? हो गया सेकेंड स्केयर हो गया ठीक है फर्स्ट हम कैंसिल कर देते हैं ये सेकंड इसके साथ कैंसिल हो गया ये सेकेंड जो है इसके साथ कैंसिल हो गया ठीक है तो अब हमारे पास के जी के साथ के जी कैंसिल हो गया मीटर के साथ एक मीटर कैंसल हो गया ठीक है तो 6.626 पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाय हमारे पास 9.1 जो है जब आपने एट uh, के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 7.389.2 थ्री एट नाइन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन आ गया ठीक है अब हमारे पास यूनिट क्या रह गए थे मीटर रह गए ठीक है अब आप क्या करोगे इनको जो है आपस में आप सिंप्लीफाई कर दो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर ठीक है इसका मैं डेसिमल हटा सकती हूँ अगर मैं इसका डेसिमल यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट थ्री एट नाइन टू इंटू टेन रेज टू पार थ्री आ गया ठीक है मैंने ओबियसली uh, जितने यूनिट्स होते हैं वन टू थ्री क्योंकि पहले डेसिमल यहां पे था मैंने यहां पे मूव कर दिया तो मेरे पास टेन रेज टू है अब ये माइनस ये प्लस का थ्री है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा ठीक है तो थर्टी फोर प्लस थ्री मीनस थर्टी सेवन हो गया सो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पर माइनस 37 सेवन बाय सेवन पॉइंट थ्री एट नाइन टू इंटू रेस टू पार माइनस ठीक है अब आपने जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो यू गेट 0.8967 ठीक है माइनस थर्टी सेवन है यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस थर्टी वन है तो न्यूमिनेटर में जाके प्लस थर्टी वन हो जाएगा सो माइनस थर्टी सेवन प्लस थर्टी वन मीन्स माइनस सिक्स आ गया ठीक है अब इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं मैंने क्या किया मैंने ये सारे के सारे डेसिमल्स जो हैं वो हटा दिए एट नाइन सिक्स सेवन ठीक है इन अगर मैं इसको रफ में करके बताऊँ तो ये क्या है एट नाइन सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय वन टू थ्री फोर फोर जीरो आ जाएंगे इट इज लाइक दिस टेन रेज टू पार फोर ये फोर यहाँ पे प्लस का है तो

मीटर दिस इज ऑल्सो मीटर ठीक है तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी एट नाइन सिक्स सेवन ऑक्स्ट